नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सुदर्शन चक्र के बारे में। दोस्तों दोस्तों यह अस्त्र ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। दोस्तों इसे भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु अपनी तर्जनी उंगली में धारण करते हैं। मित्रों ये बहुत ही पावरफुल और महाभयानक और प्रलंकारी दोस्तों यह अस्त्र है। दोस्तों ये अमोघ एवं अचूक यंत्र माना जाता है। दोस्तों अगर एक बार ये चल जाए तो मित्रों ये वापस नहीं आता, जब तक अपने उस शत्रु को जो है परास्त नहीं कर देता, उसका नाम और निशान नहीं मिटा देता। परंतु अगर इस चक्र के सामने ये भी एक खासियत थी कि अगर कोई इस अस्त्र के सामने अगर अपना सर झुका लेता था तो ये अस्त्र जो है क्षमा भी कर देता था। दोस्तों और भी न जाने कई बातें हैं। मित्रों ये ऐसा अस्त्र था जो श्री भगवान कृष्ण जो है इससे दुष्टों का, असुरों का, दैत्यों का संहार करते थे। दोस्तों जब 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 युद्ध होते थे भगवान कृष्ण के दोस्तों रणों में, यानी कि दोस्तों जो एक जो युद्ध भूमि होती है उस रण में, मित्रों जब भगवान कृष्ण का जो अभी ये जो सुदर्शन अस्त्र है दोस्तों जब चलता था तो जो असुरों की सेना थी, दैत्यों की सेना थी, वह थर थर काँपने लग जाती थी। मित्रों इतना भयानक आग उगलने वाला ये यंत्र था। दोस्तों दोस्तों इससे मतलब एक अलग से ही ओज और प्रकाश निकलता था, इतना तीव्र था दोस्तों कि जो शत्रु था कोई भी हो, जो भी सामने आता था मित्रों वो गाजर मूली की तरह कटता चला जाता था, इतना प्रभावकारी है। दोस्तों इसे जो है इस महा अस्त्र को भगवान शिव से भगवान विष्णु ने प्राप्त करा था। दोस्तों इन्होंने जा करके जम्मू कश्मीर की तरफ यानी दोस्तों हिमालय में दोस्तों इन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी थी और फिर भगवान शिव प्रकट हुए थे और इन्होंने उनसे जो है एक ऐसा अस्त्र मांगा ताकि वो पापियों का संहार कर सके और दुष्टों को दंड दे सके। और वो चाहते थे कि मुझे आप प्रभु आप ऐसा अस्त्र दीजिए इसका कोई तोड़ ना हो। और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर के भगवान विष्णु को जो है सुदर्शन चक्र दिया, जिसके कारण जो है भगवान कृष्ण ने जो है दुष्टों का, असुरों का संहार किया और पृथ्वी को जो है पापियों से बचाया। और दोस्तों ये ऐसा चक्र था जो मन की गति से चलता था और दोस्तों चमकने में तो बहुत ही आगे था। दोस्तों बहुत ही पावरफुल दोस्तों ये यंत्र था जिसका कोई तोड़ नहीं था। दोस्तों आपको इस शक्तिशाली सुदर्शन चक्र के बारे में जानकारी जो मैंने दी है उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। अगर दोस्तों अगर आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिले।